दोस्तों आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि अक्सर हम कई मौकों पर कुत्तों का नाम लेकर मिसाल दिया करते हैं। किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर आता है, गाली आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा जीव है? हमने उसे कभी खिलाने पिलाने के बारे में तो ना सोचा होगा, ना ही ये देखा होगा कि भूखा है प्यासा है। वो चाहे कितना भी दिनों से भूखा आपके द्वार पर पड़ा हो, लेकिन हमें कभी भी उसका नाम नहीं आया, हमें कभी उसका ख्याल नहीं आया, लेकिन उसका नाम इस्तेमाल करने में हमें तनिक भी लज्जा नहीं आती। आपसे निवेदन है कि 5 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुने और शायद आपकी सोच बदल जाएगी, आपको जीने का सलीका आ जाएगा। और आप अगर अपने जीवन में निराश हैं या आपके दिमाग में कई सारे विचार आते हैं तो वो सारे निकल जाएंगे। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। अगले दिन सुरेश उस महात्मा से मिलने के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर सुरेश ने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तभी सुरेश ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने कहा, भंते संकोच मत करो, पूछो क्या है, आपके मन में वो कौन सा प्रश्न उठ रहा है। तब सुरेश ने कहा, गुरुदेव मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। तभी महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो कभी दुखी नहीं होगा। भंते कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं तथा जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसे जीवन में कभी कोई दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे 8 फायदे होते हैं और वो जीवन भर सुखी रहता है और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, भंते तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ कि कुत्ते को रोटी खिलाने से 8 फायदे होते हैं। ध्यान से सुनिएगा और कहानी को स्किप मत करिएगा। एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वो बहुत ही लाचार था और भूखा प्यासा था। वो गांव में सभी के घर जाता था परंतु उसे कोई भी व्यक्ति रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता था। वो भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन वो गांव के बाहर नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया और ऋषि से कहने लगा, हे मुनिवर मुझे लगता है कि आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ, कृपा करके आप मुझे एक टुकड़ा रोटी का दे दीजिए जिसे खाकर अपनी भूख को शांत कर लो। तभी वो ऋषि कहते हैं, हे स्वान क्या तुम्हें गांव में एक टुकड़ा रोटी का किसी ने नहीं दिया जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सको। वो कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों को विश्वास नहीं करोगे। तभी वो ऋषि कहते हैं, स्वान तो बताओ तुम्हारी बातों पर मैं विश्वास अवश्य करूंगा, मुझे तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वो कुत्ता कहता है कि ठीक है मुनिवर मैं आपको अपनी व्यथा बताता हूँ। कुत्ता ऋषि से कहता है कि हे मुनिवर दुनिया के लोग हम पर रहम करो, हमारा कोई घर नहीं है, कोई असहारा नहीं है। कुत्ता ऋषि से कहता है कि हे मुनिवर दुनिया के लोग हम पर रहम करो, हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आसरा नहीं होता, कमाकर खाना हमें नहीं आता, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं, हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। मुनिवर आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता, ये हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगती है, चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है, बस इन्हीं 3 कर्मों से हम आपकी बराबरी करते हैं, इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे ही कष्ट देकर यहाँ पर भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हो, हम आपकी तरह मनुष्य नहीं है, हम पराधीन जीव है। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आँख कान बंद थे, कह नहीं सकते कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गान होता है, बाजे बजते हैं, खुशियां मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी ये सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी, हम जिस बिछौना पर आए हैं वही रुई का नरम, हम जिस बिछौना पर थे वो रुई का नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी, मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब हमारी आंख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो वो अपने 5 बच्चों को छाती से चिपका कर एक राख के ढेर पर पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे, मैं अकेला ही काले रंग का था, सबसे छोटा मैं ही हूँ। तभी मैं इतना इसलिए कमजोर हूँ क्योंकि मैं 5ों में सबसे छोटा था। मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी, यदि वो ना खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर हैं और वो बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती, कभी भोजन मिल भी जाता था कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन वो हमेशा हम 5ों का बड़ा ही ख्याल रखती थी। आखिर वो हमारी माँ थी, वो रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी, किसी का मजाल नहीं थी, नहीं था कि कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ भी झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव नहीं आते थे,
गांव के किसी भी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने नहीं आता था, तो हमारी माँ अगर कोई भी फसल खाने के लिए आता तो हमारी माँ दौड़कर उसे भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य तो हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी, पर हम लोगों को किसी भी तरीके से दूध पिलाते थे। उसके दूध से दूध नहीं निकलता था, फिर भी वो हम बच्चों को बहुत प्यार करती थी। वो कहता है कि हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें आपकी ही तरह लगती है। ऊपर से उसे अपने पांचों बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी, और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीसता था। वो बेबस होकर उन लोगों के घरों में चोरी से घूम पड़ती थी, और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपना पेट अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देखते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीट पीट कर उसे अधमरा कर देते। हमारी माँ का बुरा हाल हो जाता था। वो रोती थी लेकिन किसी के आंसू नहीं छलकते थे। फिर वो कुत्ता ऋषि से कहता है कि हे मुनिवर, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है। हमने आपका घर नहीं हड़प लिया, आपके घर से पैसे नहीं चुरा लिए, हमने तो सिर्फ भोजन ही लिया था। पर पापी पेट हमें ये सब करने के लिए मजबूर कर देता है। मेरी कोई इच्छा नहीं होती ये सब करने के लिए। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हो रही थी, ओले पड़े हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे तीन भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझता, क्योंकि उसके बच्चे थोड़े मरे थे। फिर वो कुत्ता कहता है कि मुनिवर, हम सिर्फ दो भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसकी गांव में एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी, और अनेक प्रकार की मिठाइयां बनी हुई थी। सेठ जी के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे धुतकार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारी को खाने के लिए फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता, इतना सारा खाना बर्बाद हो जाता है। मेरी माँ बार बार जाती और वही खड़ी देखती। लेकिन सेठ जी के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू था। भोजन परोसा जाने लगा, मेरी माँ भी वहीं जाकर पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ दबे पांव रोटी लेने को चल पड़ी। तभी दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया। चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख पुकार सुनकर घबरा गई। दो आगे वो कुत्ता कहता है कि हे मुनिवर, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहां पर दावत खा रहे थे। वो सब उठकर खड़े हो गए और उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया। कहने लगे कि कुतिया के लांग जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है, नष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे, अब क्या किया जाए, खाना तो सब खराब हो गया है। फिर सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई, कुतिया के लांगने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में या पत्तलों में मुंह थोड़े डाला है, सिर्फ ऊपर से लांग कर ही तो गई है। और कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पालकर घर के अंदर सुलाते हैं, खिलाते भी हैं, उसके साथ रहते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात कैसे हो गई? अगर कुतिया लांग कर कोई भोजन खराब कर कैसे खराब कर सकती है? भोजन खराब नहीं हुआ है, लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते, माथे पर टीका लगाए हुए थे, बड़ी बड़ी चुटिया थी, उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, और वो कह रहे थे, भोजन तो नष्ट हो गया, ये हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई। अब तो वो सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वो सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वो भोजन करके वहां से आराम से लेटी थी कि उतने में ही वो सेठ डंडा लेकर वहां पर आ पहुंचा और उसे बुरी तरीके से पीटने लगा। उसे वहां से भागने का कोई भी अवसर नहीं मिला। डंडों की चोट इतनी बुरी तरह से उसको पड़ रही थी कि वो चिल्लाते चिल्लाते वो घोर विलाप करने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाता, पर उस निर्दयी को थोड़ा भी दया नहीं आई और उसने कठोरता से उसको पीटता रहा। माँ का वो शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, सेठ जी जाने दो, भूख में तो आदमी की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। ये तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान है? अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था हो गया, सो अब इसे छोड़ दो। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद किया। फिर बड़ी मुश्किल हालात में वो हमारे पास आई। माँ ने आकर सारी कहानी बताई, हम दोनों भाइयों को उसने सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले हमें एक चोरों की तरह किस तरीके से पीटता रहता है। बेकार में ऐसे लोग
बेकार है ऐसे लोग जो हमारी पीड़ा को नहीं समझते, हमारे कष्ट को नहीं समझते हैं। वो कुत्ता कहता है कि हे मुनिवर, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंथ कर रख दिया। वो वहीं पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ घूमते हुई वहां पर पहुंच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं। यही सोचकर वो उस आटे को खाने लगी। उधर उस ब्राह्मण ने कुएं के पास देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है, तो वो बड़ा ही दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा क्योंकि वो भी दो दिनों से भूखा था और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसने सेठ जी की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दी थी। ब्राह्मण दुखी होकर बोला, भाई मुझे क्या मालूम, ये दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। ब्राह्मण ने ना आओ देखा ना ताओ लाठी लेकर उस कुटिया के ऊपर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा लाठियां उसके ऊपर बरस पड़ी। महीनों तक मेरी माँ लड़खड़ाते हुए घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते रहे पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी वो हमें नहीं समझता कि हम उसके वफादार हैं। वो हमारे लिए कुछ नहीं करता। आगे वो कुत्ता कहता है कि हे मुनिवर, हमारी कमी ये है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहते हैं जो हमें कष्ट देते हैं, जो हमें प्यार से खिलाता है। हम उसके कितने काम आते हैं ये नहीं पता। उनके घर की रखवाली तो करते हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान ले तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं बताऊंगा कि कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे मनुष्य को पता ही नहीं है। जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए होती है और पिछली रोटी जो सबसे लास्ट की रोटी होती है वो महात्मा कहते हैं कि वो कुत्ते के लिए होती है। महात्मा ने कहा कि ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया है, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी खुद ही खा जाता है और इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वो प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों दोष से वो दूर हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। महात्मा ने कहा कि कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा यह है कि कण कण का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। कण ग्रह जब अपनी दुष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वो मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर जो दुष्ट प्रभाव होते हैं, तमाम सारी चीजें होती हैं, वो नहीं पड़ती हैं और आदमी खुश रहता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक जो शक्ति होती है वो दूर चली जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन दौलत काफी ज्यादा बढ़ता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता है और आप अच्छे जीवन में विचार करते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा यह है कि कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार अच्छा होता है, आपका मन भी संतुष्ट रहता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठवां फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस आपको मिल जाता है, ऐसा पुराणों में कहा गया और कई सारी ऐसी कहावतें भी है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिला देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और आपकी आप मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं, आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है और आपके मन में हमेशा अच्छे विचार आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां और अंतिम फायदा है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान मतलब आपका जो रोजगार है, आप जिसके लिए काम करते हैं, आपका जिससे गुजारा होता है, वही आपका भगवान है। और अगर आप किसी को प्रसन्न करोगे तो उल्टे वो आपके लिए पॉजिटिव सोचेगा। और आपने अपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि जब कुत्ता रोता है तो यह अशुभ संकेत माना जाता है, कोई संकट आता है या किसी की मृत्यु होती है, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार महात्मा ने सुरेश को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए। जो कि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है इस तरीके से उसे इन 8 चीजों का फल मिलता है, उसे फायदा होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की कहानी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपके घर में, आपके गांव में भी, आपके पड़ोस में कुत्ता है तो कभी भी ऐसे जानवरों को यार 1-2 रोटी अगर आप उसे खिला दोगे तो आप छोटे नहीं हो जाओगे। हमेशा आप निमंत्रण करते हो, भंडारा करते हो, लोगों को खिलाते हो बुलाकर, तो उसी तरीके से अगर आपके आसपास जानवर है जो आपकी देखभाल करते हैं उनको खिला दोगे तो आपका नुकसान नहीं हो जाएगा। इसलिए आज की कहानी के माध्यम से हमें आपको यही बताना था कि जीवन में हमेशा जानवरों से प्यार करना चाहिए। आपके घर में या आपके बगल में कोई जानवर है तो आपका पड़ोसी है, आपका अपना है, आपका अपना सदस्य है, उसे अपना सदस्य समझें, कभी उसे मारे नहीं। अगर आप उसे प्यार से खिलाएंगे तो आपके घर से झपट्टा मार के नहीं जाएगा। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही, मिलते हैं कल किसी कहानी और के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं क्योंकि ऐसी मोटिवेशनल कहानी आपको यहां पर मिलती रहेगी।